हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आप सभी जो है अब जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट किए हुए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जिसमें हम टॉपिक सोलर सिस्टम जो है वो उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे थे। थ्योरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम इस टॉपिक को कम्प्लीट करेंगे सोलर सिस्टम पे। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आखिरी वीडियो होगी इसकी, और आज जो है क्वेश्चन भी कम होंगे। तो कल का क्वेश्चन जो मैंने हम पहले दिया हुआ था कि एस्टेरॉइड्स आर मेड अप ऑफ, ये क्वेश्चन आपके लिए, तो बताइए निकल आयरन रॉक्स और ऑल ऑफ दिस इनमें से क्या आएगा। तो एस्टेरॉइड जो है वो बेसिकली किसके बने हुए होते हैं, मेटालिक बॉडीज होती है जिनसे ये बनते हैं एस्टेरॉइड्स। तो यहाँ पर जो है वो सही आंसर अगर आपको चूज करना होगा तो क्या आपका आंसर होगा। तो एस्टेरॉइड्स जो है ऑर्बिट द सन एंड रॉकी मेटेलिक बॉडीज, ये बने हुए होते हैं रॉक एंड मेटल से। मेनली जो इसमें निकल आयरन मिलता है और मेटल्स कुछ मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दिस जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। जो भी मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ आपको इसका आंसर खुद से पहले देना है, क्योंकि हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है एस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो नोन एज, तो बताइए एस्टेरॉइड्स को हम क्या कहते हैं, उनका दूसरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन है माइनर प्लैनेट्स, ऑप्शन बी है स्मॉल स्टार, एंड ऑप्शन सी है प्लैनेट्स, और है हमारे पास ओनली ए एंड बी। तो आपको चूज करना होगा कि क्या हम इसे कहते हैं, तो चूज कीजिए। देखिए ऑप्शन सी तो आप सीधा सीधा इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि एस्टेरॉइड्स को हम प्लैनेट नहीं कहते। हमने प्लैनेट पढ़े हैं, 8 प्लैनेट पढ़े हैं, और एस्टेरॉइड जो है उन प्लैनेट्स के बीच में मिलता है। ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट जहां पर मिलती है मैंने आपको अच्छे से बताया, और इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी किया हुआ है। तो एस्टेरॉइड जो है दे आर ऑल्सो नोन एज, अब हमारे पास पहला ऑप्शन है माइनर प्लैनेट्स, क्या हम इसे माइनर प्लैनेट्स कहते हैं, बिल्कुल हम इसे माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, और हम इसे स्मॉल स्टार भी कहते हैं। ये ओनली ए और बी होना चाहिए, ठीक है, ये और होगा तो हम इसे जो है स्मॉल स्टार भी कहते हैं, माइनर प्लैनेट्स भी जो है वो कहते हैं, बट प्लैनेट जो है नहीं कहेंगे, क्योंकि प्लैनेट और मून से जो है काफी छोटे होते हैं। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अगला क्वेश्चन। आप देख लीजिए ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स अकर मोस्ट एबंडेंटली इन अवर यूनिवर्स, तो वो कौन सा हमारे पास जो है वो एलिमेंट है जो हमारे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा मिलता है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन में से बताइए वो कौन सा होगा जो सबसे ज्यादा मिलता है हमारे यूनिवर्स में। तो सही आंसर जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन है द स्टेलर एंड द सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया स्टेलर एंड द सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फिशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, EMF है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, स्टेलर एंड द सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज, सही आंसर ऑप्शन ए होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला क्वेश्चन चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिंपल क्वेश्चन है बट पूछा भी बहुत ज्यादा जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, तो वो कौन सा प्लैनेट है जिसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। आंसर इसका सही जो होगा वो क्या होगा, तो वीनस को कहा जाता है, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, वीनस को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार भी और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हम अच्छे से पढ़े हुए हैं पहले ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ MCQ कवर कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो वीनस जो है इसे कहा जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, बिकॉज इट कैन बी सीन शाइनिंग इन द इवनिंग स्काई राइट आफ्टर द सनसेट इन द वेस्ट। द प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार व्हेन इट्स ऑर्बिटल पोजिशन चेंजेस काजिंग इट टू अपीयर ब्राइट इन द मॉर्निंग रादर देन इन द इवनिंग, तो यही एक वजह है। क्वेश्चन है द प्लैनेट विच कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 88 डेज अराउंड द सन इज, देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बार लिए हुए हैं, लास्ट टाइम भी लिया था ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो बताइए 88 डेज में जो है वो कौन रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो वो मरकरी होगा। अर्थ जो है वो 365 डेज में करेगी, और मैंने आपको सबसे ज्यादा भी दिखाया था
165 नेपच्यून का होगा, ये ईयर्स में होगा। सबसे कम जो है वो 88 डेज जो है वो मरकरी का होगा। अब क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमेट्स मेड अप ऑफ। कॉमेट्स जो होते हैं वो किसके बने हुए हैं। अच्छे से पढ़ चुके हैं हम, कॉमेट्स जो है वो किसके बने हुए हैं, तो बताइए सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। कॉमेट्स जो है वो किसके बने होते हैं, आइस और डस्ट के बने हुए होते हैं, रॉक के बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन के या मेटल के। सही आंसर आपका होगा आइस एंड डस्ट। क्या होगा, आइस और डस्ट के बने हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नीड फॉर एन एक्लिप्स टू अकर। एक्लिप्स के लिए जो है आप जानते हैं, लूनार एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स, इस पे मैं एक जो है वो इन्फोग्राफिक्स अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना इंस्टाग्राम के पेज पे या यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी अपलोड कर दूंगा और बाकी सोशल फेसबुक पे भी अपलोड करूंगा, एक बार उसे भी पढ़ लेना। तो एक्लिप्स के लिए जो है किस किस चीज की जरूरत होगी, सन की, द मून की एंड द सन की, या अर्थ मून एंड सन, तो तीनों की जरूरत होगी। अर्थ मून एंड सन जो है वो तीनों की होगी। आगे चलेंगे तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ सुपीरियर प्लैनेट। इनमें से जो है कौन सा जो है सुपीरियर प्लैनेट नहीं है, तो बताइए कौन सा होगा। सुपीरियर प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून, ये हमारे प्लैनेट जो है वो सुपीरियर है। ये वो प्लैनेट जो सन से जो है अर्थ से ज्यादा दूरी पे होंगे वो सारे जो होंगे हमारे सुपीरियर प्लैनेट होंगे। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वीनस आपका आंसर होगा। द प्लैनेट एट अ प्रेजेंट एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर कॉल्ड द सुपीरियर प्लैनेट। और सुपीरियर प्लैनेट में हम देखेंगे मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेप्ट्यून, जो भी अर्थ के बाद आएंगे वो सारे होंगे। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जो आपका टॉपिक है अगला सिलेबस में मेंशन किया हुआ, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्कल कहते हैं, इंटरनेशनल डेटा लाइन कहते हैं, द ग्रेट सर्कल कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं। देखिए थ्योरी में तो हम सारी चीजें पढ़ा चुके हैं, बट थ्योरी की चीजें आपको याद भी रहनी चाहिए, वो सारी एमसीक्यू अगर हम उस पर कर लेते हैं तो वो चीज जो है भूलती नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आज हम कंप्लीट करेंगे, आप इसका आंसर जो है वो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं। अगर आप इसका आंसर नीचे कमेंट में लिखेंगे तो आपको ये चीज जो है वो भूलेगी नहीं। बाकी देखिए, अब ये टॉपिक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस जो हमने अच्छे से कर ली है। मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक में अब और कुछ जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, जहां तक जो मुझे लगता था वो मैंने अपने तरीके से कंप्लीट कराया। आप कहीं और से भी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, अपनी सेटिस्फिकेशन जब तक आपको ना होगी ठीक है तब तक आप पढ़ते रहे जहां से भी आप पढ़ेंगे, बट इस टॉपिक में से मुझे लगता था इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। हमने बहुत से एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कर लिए हैं, रेलवे के कर लिए हैं, और थ्योरी में तो थ्योरी तो बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब बाकी सजेशन जो है, फीडबैक जो देना चाहेंगे आप नीचे जरूर दीजिए। अब आपके एग्जामिनेशन को भी कम दिन बचे हुए हैं, लास्ट डेज की जो है स्ट्रेटेजी आप बना लीजिए कि कैसे चीजों को कंप्लीट करना है। आप जानते हैं वैकेंसीज जो है, पोस्टें जो है काफी कम है और आपको उनमें आना है। ठीक है, तो इस वजह से जो है आप उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाए, और इसमें ये भी देख लीजिए ना, बच्चे भी कम प्रिपेयर कर रहे हैं, उतने ज्यादा बच्चे प्रिपेयर भी नहीं कर रहे, बाकी उन पोस्टों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिनमें वैकेंसीज ज्यादा है। ठीक है, तो जो भी इसका पूरा सिलेबस कवर कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, तो उसको फायदा होगा, अच्छा करेगा वो अपनी एग्जामिनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। और कुछ पीडीएफ जो है मैं इस पे शेयर कर दूंगा अभी अपने टेलीग्राम पे, उससे ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब जिस जिस स्टूडेंट को मैथ में प्रॉब्लम है उसके लिए हमने जो है उसमें कुछ फार्मूलेज जो है, फार्मूला शीट जो है वो अपलोड किए हुए हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने मैथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैसेज आते हैं मेरे को हमें मैथ में जो है प्रॉब्लम है, हमने मैथ पढ़ा नहीं है।